पांच ऐसे पौधे जिन्हें आपको मानसून जाने से पहले कटिंग से ग्रो कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं उन पांच पौधों की। तो इस लिस्ट का पहला प्लांट है सभी का फेवरेट प्लूमेरिया यानी कि चंपा। इसे आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह की कटिंग लाकर कटिंग को 5 से 6 दिनों के लिए शेडी एरिया में ड्राई करिए, फिर एलोवेरा जेल लगाकर सॉइल में दबा दीजिए और कुछ दिनों में आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही आसानी से ये पौधा कटिंग से ग्रो हो जाता है और फूलों से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इस पौधे से। उसके बाद आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर दीजिए बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर ब्लूमिंग के लिए। इस लिस्ट का दूसरा प्लांट है कनेर यानी कि ओलियंडर। बहुत सारे कलर में ये रोड साइज वगैरह पर लगे होते हैं, तो पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लाकर आप इस पौधे को आसानी से मानसून में ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो काफ़ी सारे कलर में इस पौधे को फ्री में ही अपने गार्डन में ऐड किया है। नीचे की साइड आप पंची साइड या रूट हार्मोन्स लगाकर 2 से 3 लीफ नोड को वेल ड्रेनिंग सॉइल में मिट्टी के गमले में लगा दीजिए, दबा दीजिए और ये है 40 दिनों का रिजल्ट। 40 दिनों में ही बढ़िया रूट्स और सूट्स आ चुकी हैं। इसलिए इसका तीसरा पौधा जिसे आपको मानसून जाने से पहले ग्रो कर लेना चाहिए वो है बोगनवेलिया। इसकी भी आपको पेंसिल जितनी मोटी कटिंग ही लेनी है, पतली कटिंग का रिजल्ट बहुत ही ख़राब देखने को मिलता है। तो इस तरह से 5 से 6 इंच की आपको कटिंग लेनी है, सॉइल में दबाने वाले पार्ट में फंजीसाइड या रूट हार्मोन्स लगा देना है, वेल ड्रेनिंग सॉइल में 2-3 लीफ नोड को आप सॉइल में इस तरह से दबा दीजिए और कुछ दिनों में मैं आपको इसका रिज़ल्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इसलिए इसका चौथा पौधा है चांदनी। चांदनी को भी आप मानसून में आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी आपको पेंसिल जितनी मोटी कटिंग ही लेनी है और मैं आप देख रहे होंगे जितने भी पौधों की मैंने कटिंग लगाई है सभी के लिए मैंने मिट्टी के गमले का यूज़ किया है, क्योंकि मिट्टी के गमले में कटिंग आसानी से इन पौधों की ग्रो हो जाती हैं। इस लिस्ट का आखिरी पौधा है अलामंडा। इससे भी आप मानसून में कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसके लिए भी आपको पेंसिल जितनी मोटी कटिंग ही लानी है और फंजीसाइड या रूट हार्मोन्स लगाकर वेल ड्रेनिंग सॉइल में कम से कम 1 लीफ नोड को दबा देना है। इसके लिए मैंने प्लास्टिक के गमले का यूज़ किया था और मुझे बहुत गंदा रिजल्ट देखने को मिला था। इसीलिए इन पौधों की कटिंग को ग्रो करने के लिए आप मिट्टी के गमले का यूज़ करें और फटाफट ग्रो कर लें, अदरवाइज़ आपको पछताना पड़ेगा।